ब्रो 5K के बाद मेरे साथ फ्री फायर खेलोगे माइक ऑन करके? तो हेलो गाइस, तो आज हम खेलने वाले हैं फ्री फायर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे एनिमीज दुश्मन को मार डालेंगे, कहीं मैं खुद ना मर लूँ। वैसे फ्री फायर मेरे को खेलना तो नहीं आता था, इसीलिए मैं इतने दिनों से फ्री फायर खेलना सीख रहा था, तो इसीलिए वीडियो आने में लेट हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब वीडियो आ चुकी है तो इसको पूरी देखना। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे को उतना अच्छा खेलने नहीं आता है, मैं एक नूब की तरह ही खेलता हूँ, तो इसलिए कमेंट में नूब कमेंट मत करना। गाइज, हम CS रैंक खेल रहे हैं और मेरे को मेरे सामने एक बंदा दिख रहा है, उसके पास उसके दोस्त भी नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं उस पर अटैक कर सकता हूँ। गाइज, मुझे लगता है मुझे उसे मारने के लिए आगे जाना पड़ेगा, लेकिन वो पहले से मर चुका है, मेरे फ्रेंड ने उसको मार दिया है। अभी सामने वाले टीम के दो प्लेयर जिंदा है, उनको खोजना पड़ेगा मेरे को। इस घर के अंदर जाके देखता हूँ कि इसके आसपास तो नहीं है। एक तरफा मेरे को डर लग रहा है कि कोई मेरे को मार ना दे, और दूसरी तरफा मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मेरे टीम के सारे प्लेयर जिंदा है अभी, और सामने वाले टीम के एक ही प्लेयर जिंदा है, तो मेरे को लगता है कि मेरी टीम के प्लेयर ही उसको मार देंगे, इसलिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आके छुप जाता हूँ। अब तक तो सामने वाली टीम का कोई बंदा मेरे को दिखा नहीं है, लेकिन मेरे को यकीन है मैं और मेरे टीम वाले मिलके उसको जरूर मार ही देंगे। मेरे को लग रहा है वो बंदा आगे की तरफ है, तो मेरे को आगे की ओर जाना चाहिए, लेकिन वो तो मेरे जाने से पहले ही मर चुका है। मैंने अपने टीम को जीता दिया, मैंने तो क्या जीता है। तो सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है और मैंने गन भी ले ली, और मैं सामने वाले बंदों को खोज रहा हूँ उनको मारने के लिए। तो मेरे को पक्का यकीन है वो सब इसी डायरेक्शन में कहीं होंगे, और इस बार मेरे को एक नए किल तो करके ही रहना है। ओ नो, यहाँ से ब्लू जोन आ रहा है, लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता तो है नहीं, पीछे के रास्ते। लगता है मेरे को इधर से ही थोड़ी बहुत डैमेज लेके जाना पड़ेगा। मैं जल्दी से रन करता हूँ यहाँ से। फूफ, बच गया। यहाँ से आगे जाके सबसे पहले मैं बैंडेज पट्टी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। इस घर के अंदर जाके मैं बंदों को मारता हूँ। एक मिनट, मेरे को वहाँ पे एक सीढ़ियों पे एक बंदा दिख रहा है। हाँ, वो अपनी टीम का नहीं, दूसरी टीम का ही है, मैं उसको मारता हूँ। लेकिन मैं निशाना क्यों नहीं बैठ रहा है? लगता है मेरे को मैग्नीफाई यूज़ करना पड़ेगा। अब मैग्नीफाई यूज़ कर लेता हूँ मैं, इस बार मैं उसको मार ही दूंगा। यस, मैंने उसको मार दिया, लेकिन मैं भी मर गया। सो गाइज, अब राउंड थर्ड स्टार्ट हो चुका है और मैं किसी घर के अंदर आके छुप चुका हूँ, और यहाँ से छुप छुप के बंदों को मारूंगा। मेरे को एक सामने अपना बंदा दिख रहा है, उसको मारता हूँ। मैंने उसे ढेर कर दिया है, आगे के और बंदे होंगे, उनको भी मारना है मेरे को। यहाँ से अब मेरे को और कोई तो नहीं दिख रहा है, लगता है मेरे को आगे की ओर जाना ही पड़ेगा। आसपास यहाँ पे कोई भी नहीं है, बाहर जाना ही पड़ेगा मेरे को। मैं यहाँ पे घर की छत पर हूँ, ब्लू जोन मेरी और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगता है मेरे को बंदों को खोजना ही पड़ेगा। अपनी टीम में केवल मैं ही जिंदा हूँ, और सामने वाली टीम में दो जिंदा है, तो मुझे अकेले दो प्लेयर्स को मारना है। एक मिनट, वहाँ पे कोई है, मैं उसको मारता हूँ, लेकिन वो भाग गया। वो दोनों प्लेयर नीचे हैं और मेरे को दिख भी गए। ब्लू जोन बहुत छोटा हो गया, इस बार मैं शायद ही बचने वाला हूँ, और शायद मर ही जाऊँ। मैं मर ही गया इस बार तो। सो गाइस, थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है, मेरे को यहाँ पे छत पे आके बंदों को मारने वाला हूँ मैं, यहाँ छुप छुप के। वहाँ एक बंदा दिख रहा है, मैं उसको मारता हूँ, लेकिन वो भाग गया। मैं एक वापस आ गया, वो मैं उसको मारता हूँ। मैंने गन रीलोड कर ली है, वापस से कहाँ चला गया वो, दिख ही नहीं रहा। तो मैग्नीफाई हटाता हूँ मैं यहाँ से। ब्लू जोन मेरी ओर आ रहा है, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं यहाँ से जल्दी से भागता हूँ, कोई गोलियों से मार भी रहा है मेरे को। इधर ट्रेन के डब्बों के बीच से भागूंगा तो मेरे लिए बचने में आसानी रहेगी। मेरे टीम में हम दो जिंदा है, और सामने वाले में चार चार नहीं तीन जिंदा है, और हम दो मिलके उनको शायद मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एक बंदा जाते हुए दिखा मेरे को, उसके पीछे की ओर जाता हूँ। देखते हैं आज हम बूया कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। अब सामने वाली टीम के सिर्फ दो प्लेयर बाकी है, दो भी नहीं एक। मेरा टीममेट उनको सबको मार रहा है, लेकिन वो है कहाँ पे? मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ उसकी हेल्प करने, लेकिन उसको हेल्प की ज़रूरत ही नहीं, उसने अकेले नहीं विक्ट्री करा दी। सो तो गाइस, राउंड 5 स्टार्ट हो चुका है, और मेरे को यहाँ से एक बंदा भी दिख रहा है, मैं उसको यहाँ से मारता हूँ। उसने भी मुझे मारा है, लेकिन मैं भी उसको मारने की पूरी कोशिश करूँगा। वहाँ से एक बंदा आ रहा है, मैं उसको यहाँ से मार दूंगा, लेकिन गन रीलोड हो चुकी है, अब उसको मार दिया मैंने। वहाँ से एक और बंदा है, उसको भी मैंने मार दिया। अब मैं अपने टीममेट के साथ बाहर की ओर जाता हूँ। यहाँ पे कोई है शायद? अच्छा, ये तो मेरा टीममेट ही है। ये इधर कहाँ मार रहा है, कोई है क्या? यहाँ रेड वाला ड्रेस वाला, इसको मारता हूँ मैं बाहर जाके। ये है कौन? ये रहा, मार दिया मैंने, और हमारी विक्ट्री हो गई इस बार। तो मैंने भी किल किए हैं दो। वैसे गेम खेलना थोड़ा बहुत मेरे को भी आता है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आया, OMTYYT। तो गाइस, जब हम लास्ट राउंड खेल रहे हैं, और सामने वाली टीम के दो प्लेयर बचे हैं, और एक प्लेयर को मैंने मार दिया है। अब एक प्लेयर इनका बचा है, उसको मेरे को खोजना पड़ेगा, वो कहाँ पर है। मैं इस तरफ कहीं जाके खोजता हूँ, मेरे टीममेट वहाँ पे खोज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे खोजता हूँ। यहाँ कहीं होगा तो मैं उसे मार दूंगा।
गाइस हमारी टीम जीत गई है और सामने वाली टीम को भी मार दी है और हमने बुरिया भी कर दिखाया। मैं अपनी टीम पे सेकंड रैंक पे हूँ और मेरे 4 किल है। वाओ।